माता के नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ साथ हम आपको बता दें, पौनी के साथ लक्का क्षेत्र अपर बाजार में मौजूद हैं, जहां पे महाकाली मंदिर है। इसका निर्माण कैसे हुआ, कब से जहां पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं भक्त, वो हम आपको बताएंगे। मैं आपको बता दूं, महाकाली मंदिर पौनी अध्यक्ष जो उसके पुजारी हैं वो पंडित अजीत कुमार सूदन है। यह प्राचीन मंदिर भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। सन 1973 ईस्वी में सेना का अग्नि शस्त्र जो गुम हो गया था, माता के आशीर्वाद से फिर वो मन्नत मांगी थी, उसके बाद यह प्राप्त हुआ था। माता की गुफा में जो लोहे की पौड़ी है वो DIG पृथ्वीराज गुंडोत्रा ने मनोकामना पूर्ण होने पर इसकी स्थापना की थी। ये 1994 में हुई थी। आपको बता दें, उसके बाद जो पंडित अजीत राम जी हैं वो ही जहाँ पे पूजा पाठ जो है वो करते हैं। हर साल जहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाता है, लोग जो जहाँ के लोग हैं और दूर दूर से जहाँ पे आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। और हर साल जहाँ पे धूमधाम से भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे पंडित जो अजीत राम जी हैं हम उनके साथ बातचीत करेंगे, क्या इसका इतिहास है। ये वैष्णो माता ते मंदिर दे विच महाकाली मंदिर दे विच वो उत्थे महाकाली माता स्थापन की रही है। ये वैष्णो माता है, पांच पांडव न, नाग देवता है, भैरव बाबा जी है, गणेश महाराज जी है न, ते इत्थें मी हो गए न कोई के ना सदा 50 साल। बजुर्ग है, सत्संग कीर्तन करते रहे। उस दे बाद ओ बचरे मौत हो गई, जिस वेले मौत हो गई तो उस दे बाद फिर मैं स्कूल आता रहा, मैं छोटा गया था, चौथे पांचवी छेवी पढ़ते, ते ऐसी माता दी लगन लगी कि मैं अदूं लगातार तुस इत्थे लगातार मैं गै आंदा रहा। अड़ी इत्थे गल करचै ते इधर इक वारी आखा शस्त्र गवाची है आर्मी आले, उंदे शस्त्र मिली उन्हें भी शस्त्र जिस वेले गुम होए ना, ते इत्थे स्कूले दे नाले च उंदा ओ कैंप हा, ते ओ फिर आए साहब, सीओ साहब आया, उन्हें आनिए ते मत्था टेकया, ते आनिए ते उन्हें आख्या ते माता है तेरी शक्ति, ते अस इत्थे मंदर बनांगे, ते चन्ने वास्ते जगह नहीं, बिल्कुल इयां खड़ी ही जगह, ते ए थड़े भी ए जेड़े प्लेटफार्म जेड़े ए भी उन्हें बनाए, ते मंदर भी जेड़ा उन्हें बनाया, उन्हें अपना एड्रेस लिखिए ते उसके उपर रखी दिता। ओ फिर मैं एक दो फौजी आंदे आनिए ते उन्हें पढ़े, मगर रजिस्ट्रियां कीतियां दो तीन, नहीं उनका जवाब आया ते नहीं। हाँ, वो आदमी अलग उसके पीछे। अच्छा, फिर उन्हें एक गल सुनाई के जिस वेले अगर तुसें मूर्ति स्थापन करनी होग ते तुस असें सुनायो, जेड़ी मूर्ति भी करनी होग ते अस जड़ी ते मूर्ति इत्थे स्थापन करके बाकायदा आर्मी आले। अच्छा, ते के नाम सदा अस क्या करके मूर्ति स्थापन जेड़ा भी खर्चा होग ते अस करके। ओ फिर के होया के चली गए, ते फिर बेचारा ये बाल डॉक्टर हा, तुसें नहीं दिखे दा मेरे ख्याल, ते ओ पहले मौत हो गई इसदी, इंदा बिट्टू दा भरा। अच्छा, ते ओ फिर मैं उन्हें पुछया, मैं आख्या डॉक्टर साहब इत्थे महाकाली मूर्ति जेड़ी है ते नहीं है। फिर मैं क्या कीता के भांडे आना सूरजा ते अपना भनोआ बैगड़ा उधमपुर इन्हें ही भेजा, मैं ग्राही कीती, ग्राही करके 5000 बनाया, 5000 बनाया बनाइए, ते फिर इन्हें कि मैं उस वेले मलक नाइब हा, ते उसते कोलू में उन्हें चिट्ठी बनाई दी, इन्हें भेजा, मैं आख्या रोटी पानी खर्चा जो भी है वो सारा मैं देगा, ते मूर्ति के पैसे भी, ते तुस मैं लोकें का गै ग्राही कीती, कुसा ने 5 दिते, कुसा ने 10 दिते, कुसा ने कुछ दिता, ओदे कन्ने करिए ते 5000 बनाया।
फिर मैं उन्हें दिता एक 5,000 की मूर्ति जयपुर उन्हें भेजा दे फिर जयपुर का आंधी। तो फिर 1994 के बिच 24 तरीक तो ये मूर्ति स्थापन जड़ी है। तो ये फिर काफी लोग इतने आते हाँ जग के बिच इस तरह भी बिच बिच जग दे बिच तो 7-8,000 बंदा होंगे। हाँ तो डीसी मैडम कोई भी डीसी मैडम हो चाहे सारे प्रशासन का योगदान होता है। हाँ उनका वो कोई योगदान नहीं, सिर्फ ये है कि पुलिस हॉस्पिटल दे दवाइयां शवाइयां वो 4-5 दिन लगातार प्रोग्राम होता जग होता तो वो इतने आई जाते। हवन भी होता है हवन ये एक दिन कितने दिन चलता जनाब? ए 5 दिन समझो चलता है, एक दिन जगराता एक दिन पाठ 24 घंटे का अखंड पाठ ते एक दिन पूरा दिन हवन। जकी खोड़ है जकी खोड़ निकली दी है चेन्नई काफी बड़ी टाइट कंजेस्टेड है। हाँ। मोटे मोटे लोग नहीं चढ़ सकते? नहीं नहीं जी चढ़ी जाती। अच्छा सिर्फ जिंदे दिल दे विच है पाप दे वो ते खुले दरवाजे चा भी नहीं निकली सकता। हाँ। मगर इत्थे ते सारे ये इत्थे दर्शन करी सकदे। हाँ जी सब करी सकदे। मैं दसना चाहना कि मैं मेरा कैमरामैन को रिक्वेस्ट करना जनाब ये दस्सियो इन्हें कि एक सारे जिन्हें तो सुनायो कि एक ये चीजें जो कि 4-5 बनी दी ना ए स्त्रोण। हाँ जी उपर माता दी नवरात्रे स्टार्ट शुरू हो दिन किन्ने दिन 9-10 दिन। हाँ जी पूजा पाठ चलने लगातार? हाँ लगातार कल से अखंड पाठ ए अखंड जोत जेड़ी है वो चलनी है लगातार। लाइट वाला में देखा सिस्टम चला दे तो लाइट शाइट वाला कदों दी बंद ही थे ए ओ ये कभी 15-20 दिन कोई चला दा काम कोई बिना हां आंदा। आज फिर ये करी करी ये फोन ते आज मंगाया ने आए इनते मैं लाई देओ भाई इथे नेरा इथे करना भी के है नेरा। तुस पूजा पाठ देखी डेली करदे सो सवेरे आंदे हो फिर नेरा कियां करदे हो? मोमबत्ती। अच्छा चलिए कि सारा ऐतिहासिक धार्मिक स्थान है ये हमारा और यहाँ पे लाइट का इंतजाम नहीं था। आज पीडीडी डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं लाइट के इंतजाम कर रहे हैं। आशा करते हैं कि यहाँ पे लाइट जो है वो आज ही लग जाएगी और माता की जो 9 नवरात्रे जो है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए पंडित अजीत राम जी जहाँ पे आते हैं और डेली मैं चाहता हूँ कि हर दिन रात जहाँ पे एक बल्ब जरूर माता का जगना चाहिए। जहाँ पे आपने तस्वीरें देखी हैं जहाँ पे माता जी साक्षात विराजमान है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की मनोकामना भी जो है वो पूर्ण हुई है। जैसे आपने सुना पंडित अजीत राम जी से जे आज से नहीं काफ़ी सालों से जे जहाँ पे पूजा कर रहे हैं और माता जी का जे इतिहास है। आप लोग भी अगर ऊपर बाजार में पौनी में आते हैं तो जहाँ पे माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आए। देखते रहे रसी जे के न्यूज़। नमस्कार जय हिंद जय भारत।